हेलो, माय नेम इज अंशुल कुमार, थर्ड ईयर इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज पाली राजस्थान। आज के इस वीडियो लेक्चर में एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम UL3 के फर्स्ट चैप्टर पल्स मॉड्यूलेशन के थर्ड टॉपिक बेसिक प्रिंसिपल एंड ब्लॉक डायग्राम ऑफ डेल्टा मॉड्यूलेशन के बारे में बताऊंगा। डेल्टा मॉड्यूलेशन Why we use delta modulation? हम delta modulation का use क्यों करते हैं? In pulse code modulation in PCM bandwidth required is very large. It means जब हम PCM का modulation का use करते हैं, pulse code modulation का use करते हैं, तो उसमें bandwidth की required बहुत ज़्यादा होती है. And signaling rate is large. जब हम PCM का use करते हैं, तो उसमें signaling rate की भी need बहुत ज़्यादा होती है. Because PCM transfer 1 bit per code sample. इन पल्स कोड मॉड्यूलेशन में एक कोड को सैंपल करने के लिए पर बिट की यूज होती है, जिससे इसके सिग्नलिंग और बैंडविड्थ की रिक्वायर्ड बहुत ज्यादा हो जाती है. सो हम डेल्टा मॉड्यूलेशन यूज करते हैं. ट्रांसफर ऑफ सैंपल, इट मीन्स जब हम डेल्टा मॉड्यूलेशन का यूज करते हैं ताकि हमारी सिग्नलिंग रेट और बैंडविड्थ रिक्वायर्ड कम हो, रिकॉर्डेशन कम हो, तो उसमें सैंपल्स का ट्रांसफर किस टाइप से किया जाएगा वो हम इस पीपीटी के माध्यम से बताऊंगा. टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी यूज डेल्टा मॉड्यूलेशन. ओके, इन डेल्टा मॉड्यूलेशन ओनली 1 bit फॉर ए सैंपल. जो पीसीएम में सभी बिट को एक सैंपल के रूप में ट्रांसफर किया जा रहा था, इसमें क्या होगा, डेल्टा मॉड्यूलेशन में सैंपल जो वैल्यू होगी उसके लिए 1 bit का यूज होगा. इट मीन्स एक सैंपल वैल्यू को ट्रांसफर करने के लिए 1 bit का यूज होगा. इन दिस प्रेजेंट सैंपल वैल्यू इज कम्पेयर टू द लार्ज सैंपल वैल्यू. पीसीएम में क्या हो रहा था, सभी सैंपल वैल्यू को अलग अलग बिट पर ट्रांसफर किया जा रहा था, लेकिन इन डेल्टा मॉड्यूलेशन इसमें प्रेजेंट सैंपल वैल्यू होगी. इट मीन्स जो अभी सैंपल वैल्यू आई है एंड जो लास्ट सैंपल वैल्यू है उनके बीच में कंपेरिजन होगा. एंड रिजल्ट ऑफ कम्पेयर्ड वैल्यू इज ट्रांसमिटेड. इट मीन्स जो प्रेजेंट सिंपल वैल्यू है एंड लास्ट सैंपल वैल्यू है, इनके बीच का जो रिजल्ट होगा, जो कंपेरिजन का रिजल्ट होगा, वो ट्रांसमिट किया जाएगा. द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ एम्पलीट्यूड इंक्रीज और डिक्रीज. इट मीन्स जो प्रेजेंट सैंपल वैल्यू और लास्ट सैंपल वैल्यू का जो हम जो कंपैरिजन होगा, उस कंपैरिजन को एम्पलीट्यूड के बढ़ने और घटने में शो किया जाएगा. जब हम कम्युनिकेशन सिस्टम में डेल्टा मॉड्यूलेशन का यूज करते हैं, तो हमारे इनपुट सिग्नल एक्सट्री को एक स्टेयरकेस वेवफॉर्म के अप्रोक्स बताई जाती है. वो स्टेयरकेस वेवफॉर्म कुछ इस टाइप से शो होती है. इसमें एक स्टेप से लेकर दूसरे स्टेप के बीच का डिफरेंस स्टेप साइज होता है, जिसे डेल से डिनोट किया जाता है. द डिफरेंस ऑफ इनपुट एंड स्टेयरकेस वेवफॉर्म इज शोन इन शोज इन प्लस डेल और माइनस डेल. इट मीन्स जो प्लस जो दोनों वेवफॉर्म है, स्टेयरकेस वेवफॉर्म इनके बीच का डिफरेंस माइनस डेल, और इनके बीच का जब इंक्रीज हो रही है वेवफॉर्म, उनके बीच का डिफरेंस प्लस डेल से शो किया जाता है. यहाँ पर डेल को स्टेप साइज कहा जाता है. एंड इस साइन वेव के अकॉर्डिंग इस स्टेयरकेस वेवफॉर्म बनाया गया है. इट मीन जब साइन वेव बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो स्टेयरकेस को भी एक डेल से इंक्रीज कर दिया जाता है जैसे ही. और जहां तक साइन वेव इंक्रीज हुए, वहां तक स्टेयरकेस वेवफॉर्म भी इंक्रीज है. जो मैं आपको पॉइंटर से बताता हूँ, यहाँ पर साइन वेव इंक्रीज है और यहाँ पर स्टेयरकेस वेवफॉर्म भी इंक्रीज है. एंड देन जब साइन वेव डिक्रीज होना स्टार्ट होती है, जब वहां पर स्टेयरकेस वेवफॉर्म भी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है. एंड इसके जो स्टेयरकेस वेवफॉर्म है उसके बीच का डिफरेंस डिले है TS, एंड जो मैक्सिमम वैल्यू है इनपुट की जो X3 है. एंड इसे जब साइन वेव के अकॉर्डिंग स्टेयरकेस वेवफॉर्म इंक्रीज होती है, तो वहां पर 1 ट्रांसमिट होता है. एंड देन जब साइन वेव के अकॉर्डिंग जब स्टेयरकेस वेवफॉर्म डिक्रीज होती है, देन वहां पर 0 ट्रांसमिट होता है. यहां पर 0 ट्रांसमिट हुआ है, क्योंकि यहाँ पर साइन वेव के अकॉर्डिंग स्टेयरकेस वेवफॉर्म डिक्रीज हुई है एंड यहाँ पर साइन वेव के अकॉर्डिंग स्टेयरकेस वेवफॉर्म इंक्रीज हो रही है. तो यहाँ पर जनरेटेड बाइनरी डाटा 0 1 है एंड यहाँ पर 0 और 1 की वैल्यू है. यही आगे ट्रांसमीटर सेक्शन से आगे ट्रांसमिट होता है. सो यहाँ
पर सैंपल वैल्यू में, इट मीन्स प्रेजेंट सैंपल वैल्यू लास्ट सैंपल वैल्यू के कंपेरिजन के अकॉर्डिंग होता है. सो यहाँ पर 1 bit का ट्रांसमिशन किया जाता है, सो यहाँ बैंडविड्थ भी कम यूज होती है एंड चैनल चैनल का भी यूज कम होता है. उसके बाद है देन द स्टेप साइज डिक्रीज ट्रांसमिट 0 ओके एंड व्हेन द स्टेप साइज इंक्रीज ट्रांसमिट 1. देयरफॉर इस सैंपल ओनली 1 bit 0 और 1 ट्रांसमिटेड. द टाइम पीरियड ऑफ वन स्टेप साइज इज दिस इज द टाइम पीरियड. दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ 1 bit इज TS एंड ये यहाँ पर जनरेटेड बाइनरी डाटा है जो आगे ट्रांसमीटर सेक्शन से ट्रांसमिट होगा. एंड देन उसके बाद आता है ट्रांसमीटर सेक्शन ऑफ डेल्टा मॉड्यूलेशन, जिसे हम डेल्टा मॉड्यूलेटर भी कहते हैं. इन द ट्रांसमीटर सेक्शन ऑफ डेल्टा मॉड्यूलेशन दिस कंपोनेंट आर रिक्वायर्ड. जब हमें ट्रांसमीटर सेक्शन में जाना होगा डेल्टा मॉड्यूलेशन का, वहाँ पर ये कंपोनेंट रिक्वायर्ड होंगे, जहाँ पर 2 समर सर्किट होगा एंड 1 डिले सर्किट होगा एंड 1 bit क्वांटाइजर होगा, जिसे हम सर्किट डायग्राम में भी देखेंगे. द इनपुट सिग्नल इज X3, यहाँ पर इनपुट सिग्नल X3 है एंड द सैंपल वैल्यू ऑफ X3 इज X एंड TS एंड सैंपल वैल्यू ऑफ प्रीवियस वैल्यू इज X bar एंड TS. ये है ट्रांसमीटर सर्किट का सर्किट डायग्राम, जहाँ पर सबसे पहले ये समर सर्किट है, 2 यहाँ पर समर सर्किट यूज हुए हैं सिग्मा टाइप का है एंड यहाँ पर एक 1 bit क्वांटाइजर है एंड एक डिले सर्किट है. इस यहाँ से इनपुट सिग्नल X3 जाएगा एंड इसका 1 bit क्वांटाइजर का एरर सिग्नल ENTS है, जो 1 bit क्वांटाइजर से पास होकर BNTS को आगे ट्रांसमिट करेगा, जो आगे जाकर समर सर्किट से मैच होगा. समर सर्किट में प्लस और माइनस जो डिफरेंट होंगे फीडबैक पाथ होगा, जो आगे डिले सर्किट TS से कनेक्टेड होगा एंड ये समर सर्किट एंड डिले सर्किट एक एक्यूमुलेटर की तरह शो होता है, जो एक आउटपुट सिग्नल को प्रोड्यूस करता है एंड ये आउटपुट सिग्नल इस समर सर्किट जाकर वापस कंपेयर होता है. इस सर्किट में एरर सिग्नल ENTS प्रेजेंट सैंपल वैल्यू और पास सैंपल वैल्यू XNTS और X bar NTS का डिफरेंस होता है. यहाँ पर ENTS एरर एट प्रेजेंट सैंपल है एंड XNTS सैंपल सिग्नल ऑफ X3 है. द एरर सिग्नल डिफाइन द स्टेप साइज, जो हमारा एरर सिग्नल होगा उसी के अकॉर्डिंग स्टेप साइज इंक्रीज और डिक्रीज होगा. व्हेन द एरर सिग्नल इज हाई एंड इन एंड इट इज इनपुट इज पॉजिटिव देन स्टेप साइज इंक्रीज. जब एरर सिग्नल हाई होगा, इट मीन्स एरर सिग्नल हाई है, इट मीन्स जो हमारा प्रेजेंट सिंपल वैल्यू है वो पास सैंपल वैल्यू से हाई है. तो यहाँ पर एरर सिग्नल हाई हो गया एंड यहाँ पर स्टेप सिग्नल भी स्टेट के वेवफॉर्म से 1+ डेल से इंक्रीज होगा. अदरवाइज स्टेप साइज डिक्रीज. अगर एरर सिग्नल हाई होगा तो हमारा स्टेप साइज इंक्रीज होगा एंड अदरवाइज स्टेप साइज डिक्रीज होगा. हेयर द एरर सिग्नल इज, ये मैंने आपको बताया, ENTS इज इक्वल टू प्रेजेंट सैंपल वैल्यू माइनस प्रीवियस सैंपल वैल्यू XNTS माइनस X bar ऑफ NTS एंड व्हेन स्टेप साइज इंक्रीज देन बाइनरी 1 ट्रांसमिटेड. जब हमारा एरर सिग्नल हाई होगा तो हमारा स्टेप साइज इंक्रीज होगा. स्टेप साइज जैसे इंक्रीज होगा वो हमारा बाइनरी 1 को ट्रांसमिट करेगा एंड व्हेन द स्टेप साइज डिक्रीज द बाइनरी 0 इज ट्रांसमिटेड. जैसे ही हमारा एरर सिग्नल लो होगा, इट मीन्स हमारा प्रीवियस सैंपल वैल्यू सॉरी लास्ट सैंपल वैल्यू हाई होगा देन हमारा तो हमारा बाइनरी 0 ट्रांसमिट होगा, जो स्टेप साइज के कम होने को शो करेगा. एंड देन आता है डेल्टा मॉड्यूलेशन का रिसीवर सेक्शन. डेल्टा मॉड्यूलेशन के रिसीवर सेक्शन में भी एक डिले सर्किट DTS होगा एंड एक समर सर्किट सिग्मा होगा एंड उसके आगे एक LPF होगा जो स्मूथ हमारी वेवफॉर्म को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है. और इसे एक रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर भी कहते हैं, जो हमारे इनपुट सिग्नल है और जो प्रोड्यूस आउटपुट सिग्नल है उससे रिकंस्ट्रक्ट करता है. यहाँ से हमारा इनपुट सिग्नल, इट मीन्स जो हमारा डेल्टा मॉड्यूलेटर से जो सिग्नल आया है वो यहाँ से इनपुट होगा. यहाँ पे एक समर सर्किट और डिले सर्किट है जिसे एक्यूमुलेटर कहते हैं, जो एक आउटपुट प्रोड्यूस करता है. इसके बाद ये दोनों आपस में कंपेयर होकर एक LPF में जाएंगे, इट मीन्स लो पास फिल्टर में जाएंगे. उसके आगे से हमारा डीमॉड्यूलेशन का आउटपुट मिलेगा. इट मीन्स जो हमने इनपुट सिग्नल डेल्टा मॉड्यूलेटर को दिया था वो हमें यहाँ पर रिसीवर सेक्शन में डीमॉड्यूलेटर आउटपुट के रूप में मिलेगा. ये डेल्टा मॉड्यूलेशन का रिसीवर सेक्शन के बारे में ब्रीफ इंट्रो दिया हुआ है.
इसमें एक वही डीले सर्किट होता है एंड एक एक्यूमुलेटर सर्किट होता है जो डीले सर्किट और समर सर्किट के कॉम्बिनेशन से बनता है। द एसएससी एक्यूमुलेटर, एसएससी मींस एक्यूमुलेटर जनरेट्स द स्टेरकेस अप्रोक्सीमेट सिग्नल आउटपुट एंड इज रिलेड बाय वन सैम्पलिंग पीरियड टीएस, जो जिसे सैम्पलिंग पीरियड टीएस के द्वारा डिले किया जाता है एंड देन आफ्टर दिस इज एडेड टू द इनपुट सिग्नल, उसके बाद उसे इनपुट सिग्नल में जोड़ा जाता है। रिसीवर सर्किट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द इनपुट बाइनरी सिग्नल द स्टेप साइज इज इंक्रीज और डिक्रीज। जो हमारा इनपुट का जो बाइनरी सिग्नल होगा, इट मीन्स डेल्टा मॉड्यूलेटर ने जो बाइनरी सिग्नल को जनरेट किया था, जो जो इनपुट सिग्नल एक्सट्री और स्टेरकेस वेवफॉर्म के अकॉर्डिंग होता था, उसके अकॉर्डिंग हमारा बाइनरी सिग्नल प्रोड्यूस हुआ था। बाइनरी सिग्नल प्रोड्यूस होने के बाद वो बाइनरी सिग्नल डेल्टा डी मॉड्यूलेटर के इनपुट के रूप में आया और उसी बाइनरी सिग्नल के अकॉर्डिंग हमारा वेवफॉर्म इंक्रीज और डिक्रीज होगा। इफ द इनपुट बाइनरी इज वन, जब जब हमारा डेल्टा डी मॉड्यूलेटर पे इनपुट बाइनरी वन आएगा तो वहां पे हम एक स्टेप साइज प्लस डेल से प्रीवियस वैल्यू को बढ़ा देंगे। इट मीन जो प्रीवियस वैल्यू सिंपल चल रही है, अगर बाइनरी वन आएगा तो उसे वो वन स्टेप से इंक्रीज कर देगा एंड देन बाइनरी जीरो आएगा अगर डेल्टा डी मॉड्यूलेटर के इनपुट पे, तो उससे डेल्टा डी मॉड्यूलेटर प्रीवियस वैल्यू होगी उसे माइनस डेल कर देगा। इट मीन जो सैंपल अगर बढ़ रही होगी तो बाइनरी जीरो आने के बाद वो स्टेप साइज को माइनस डेल से डिक्रीज कर देगा। एंड हियर एलपीए प्रोवाइड स्मूथ स्टेरकेस टू रिकंस्ट्रक्ट द ओरिजिनल मैसेज सिग्नल एक्सट्री। एक्सट्री को ओरिजिनल मैसेज सिग्नल एक्सट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए ये एलपीएफ को यूज किया जाता है इन डेल्टा डी मॉड्यूलेशन सर्किट। उसके बाद हम एडवांटेजेस ऑफ डेल्टा मॉड्यूलेशन सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। वेरी इजी डिजाइन ऑफ डेल्टा मॉड्यूलेटर एंड डेल्टा डी मॉड्यूलेटर। हाँ, इसमें एक बहुत ही इजी डिजाइन होता है। जैसे एक वन बिट क्वांटाइजर होगा ओनली फॉर एंड डीले सर्किट होगा और टू समर सर्किट होंगे। इसी से ही आगे डेल्टा डी मॉड्यूलेटर में एक डीले सर्किट और एक एलपीएफ के द्वारा सिंपल जी सर्किट को डिजाइन किया जा सकता है। इसमें डेल्टा डी मॉड्यूलेशन सर्किट में एक वन बिट क्वांटाइजर होता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रिक्वायरमेंट फॉर मॉड्यूलेशन एट ट्रांसमीटर एंड फॉर डी मॉड्यूलेशन एट रिसीवर इज सिंपलर कंपेयर टू पीसीएम। जो पीसीएम जो सर्किट यूज होते हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं और पीसीएम की वो वैल्यू मतलब पीसीएम उतना ज्यादा अच्छा भी नहीं होता है, उससे अच्छा तो डेटा मॉड्यूलेशन होता है और डेटा मॉड्यूलेशन के सर्किट पीसीएम से बहुत छोटे होते हैं और इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं। लो सिग्नलिंग रेट इन डेल्टा मॉड्यूलेशन, ये डेल्टा मॉड्यूलेशन का बहुत बड़ा एडवांटेज है कि इसमें सिग्नलिंग रेट बहुत कम होती है, क्योंकि पीसीएम का एक डिसएडवांटेज है कि इसमें सिग्नलिंग रेट ज़्यादा होती है और उस डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए हमने यहाँ पर डेल्टा मॉड्यूलेशन को यूज किया है। एंड लो ट्रांसमिशन चैनल बैंडविड्थ रिक्वायर्ड बिकॉज डेल्टा मॉड्यूलेशन नीड्स वन बिट पर सैंपल। डेल्टा मॉड्यूलेशन वन बिट पर सैंपल को ट्रांसमिट करता है, इसलिए यहाँ पर हमें लो ट्रांसमिशन चैनल के भी रिक्वायर्ड लो ट्रांसमिशन चैनल बैंडविड्थ ही रिक्वायर्ड होती है, जो वापस पीसीएम पल्स कॉर्ड मॉड्यूलेशन से अच्छा होता है। एंड लास्ट टॉपिक इज डिसएडवांटेजेस ऑफ डेल्टा मॉड्यूलेशन सर्किट। डेल्टा मॉड्यूलेशन सर्किट के ऑनली फॉर टू डिसएडवांटेजेस है। जो डेल्टा मॉड्यूलेशन के बाइनरी सिग्नल होगा जो स्टेरकेस वेवफॉर्म बढ़ेगी और घटेगी उसके अकॉर्डिंग ही ये जो नॉइज आ जाता है उनके बीच में, ये इसी को डेल्टा मॉड्यूलेशन के डिसएडवांटेजेस के रूप में बताया गया है। यहाँ पर दो टाइप के नॉइज होते हैं। फर्स्ट इज स्लोप ओवरलोड डिस्टॉर्शन, जो यहाँ पर जो हमने स्टेप साइज को इंक्रीज किया हुआ है। व्हेन डेल इज स्मॉल, जब स्टेप साइज कम हो तो ये स्लोप ओवरलोड डिस्टॉर्शन का बनता है और जब स्टेप साइज बड़ी कर देंगे हम तो यहाँ पर ग्रैनुलर नॉइज की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। एंड दिस एरर और नॉइज इज नॉन एज स्लोप ओवरलोड डिस्टॉर्शन। टू रिड्यूस दिस एरर द स्टेप साइज मस्ट बी इंक्रीज्ड व्हेन स्लोप ऑफ सिग्नल एक्सट्री इज हाई। इसे दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्टेप साइज को इंक्रीज कर सकते हैं व्हेन स्लोप ऑफ सिग्नल एक्सट्री इज हाई। यहाँ पर यह ओरिजिनल मैसेज सिग्नल है एंड उसके जब ओरिजिनल मैसेज सिग्नल एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा तो यहाँ पर स्टेप साइज को हम इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, और इंक्रीज करें डिक्रीज करें इसके ऊपर ये नॉइज की पॉसिबिलिटी बनती है। इट मीन्स जब इनपुट सिग्नल बहुत ही कम वैल्यू के साथ है ना वेरी कर रहा हो, इट मीन्स बढ़ रहा हो या घट रहा हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम स्टेप साइज को बहुत कम वैल्यू के लिए इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकते हैं, तो वहां पर ग्रैनुलर नॉइज की पॉसिबिलिटी होती है। और जहां पर स्टेप साइज बहुत ज्यादा इट मीन्स बाइनरी वन 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 ऑलवेज ट्रांसमिट होते रहेंगे तो वहां पर
इनपुट सिग्नल, तो वहां पर स्टेप साइज बहुत बार बढ़ते रहेंगे, इट मींस इंक्रीज होते रहेंगे, तो वहां पर स्लो ऑर्डर डिस्टॉर्शन की पॉसिबिलिटी बनती है। थैंक यू। इस आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने डेल्टा मॉड्यूलेशन के बारे में पढ़ा, जो एडवांस कम्युनिकेशन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।